हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है, नोट में गांधी जी का फोटो कहां से आया, गांधी जी इमेज ऑन रूपी वेयर इट केम फ्रॉम। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं। पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा दूसरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लेना, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और ट्विटर अकाउंट में भी आप हमको फॉलो कर लेना, उसका भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या आपको पता है कि क्रैब मेंटालिटी, इसका मतलब क्या होता है वो पता है? देखो, कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ रहा है और कोई दूसरा उसको नीचे खींच रहा है, इसे कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। ठीक है, आपको पता है क्रैब मेंटालिटी को क्रैब मेंटालिटी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो क्रैब मेंटालिटी को क्रैब मेंटालिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप एक बास्केट को लो, एक बाल्टी को, उसमें पानी भरो और बहुत सारे क्रैब्स को रख दो, ठीक है, तो ये जो मल्टीपल केकड़े हैं, मल्टीपल क्रैब्स हैं, इसमें से अगर कोई एक क्रैब ऐसे बाल्टी से बाहर निकलना चाहेगा ना, तो दूसरा क्रैब उसको रोकता है। ये एक्चुअली में लिटरली क्रैब्स करते हैं, इसीलिए क्रैब मेंटालिटी को क्रैब मेंटालिटी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 21, जो साइको या हॉरर मूवीज में होता है ना सीन, कोई इंसान ऐसे लेटा हुआ है और खच करके कोई घोप देता है उसके अंदर चाकू, तो अच्छा जो साउंड आता है ना घोपने वाला खच करके, पता उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? उसको प्रोड्यूस किया जाता है इसको, इस फल के ऊपर लिटरली चाकू मार के ऐसे खच करके आवाज, मतलब इस पे जो चाकू मारने से खच करके जो आवाज आता है, कसाबा मेलन, इस पे मारने से ऐसा आवाज आता है ना जैसे एक अगर किसी रियल इंसान को किया जाए तब वो ऐसा आवाज आता है, और यही इफेक्ट को मूवीज में यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 20, आपने कभी ये सोचा है कि इतने सारे एरोप्लेन्स ऊपर उड़ते हैं आसमान में, तो दो एरोप्लेन्स टकरा नहीं सकते है क्या? तो बात ये है ना, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक सेफ्टी मेजर होता है, पता है क्या? जो एरोप्लेन्स होते हैं ना उसमें भी जो ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं ना, वो कमर्शियल फ्लाइट्स को बोलते हैं कि तुम लोग ऑड और इवन हाइट पे प्लेन को उड़ाओ। जैसे एक प्लेन 38,000 फीट पे ऐसे उड़ रहा है तो दूसरे वाले को बोला जाएगा कि तुम 38 से तुम 39 पे उड़ो, फिर इवन ऑड करके, ताकि अगर बहुत सारे प्लेन रहे भी ना तो वो टकराए नहीं। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो इतना सारा प्लेन जा रहे हैं पर इसमें से कोई एक दूसरे से ना ऐसे क्लैश नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इवन ऑड एल्टीट्यूड लेवल्स को फॉलो कर रहा है। फैक्ट नंबर 19, जो ये अमेरिकन चॉकलेट है इसका नाम है मिल्क डड्स, ठीक है, और आपको पता है इसे जब इस कंपनी को 1928 में बनाया गया था ना, तब इसको परफेक्टली राउंड शेप देने का तय किया गया था कंपनी के द्वारा, बट उस टाइम का जो मशीन था वो चॉकलेट को एकदम स्फेरिकल शेप, एकदम या फिर गोल शेप नहीं दे पाता था, थोड़ा ऑड शेप मिलता था हर एक चॉकलेट को, और इस ऑडनेस को ही डड कहा जाता है, मतलब ऊपर नीचे, और इसलिए इस कैंडी का जो एक इंस्पिरेशनल नेम था वो था मिल्क डड, जो कि इसका जो शेप है उस पे इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये डड्स है, अनशेप्ड है। फैक्ट नंबर 18, जिस तरह किसी इंसान को जब चोट लगता है तो वो रोता है, उसी तरह आपको पता है कि अगर किसी पेड़ को काटा जाए ना तो ऑफकोर्स वो नहीं रोते हैं, नॉर्मल लॉजिक ये कहता है, बट जब डीप साइंस में जाए ना तब ना अगर कोई टोमेटो प्लांट को काटता है तब साइंटिस्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि प्लांट्स ना तब अल्ट्रासोनिक स्क्विल्स निकालते हैं जब उन्हें काटा जाता है। 4 इंच दूर रखे माइक्रोफोन में ये स्क्विल्स को साइंटिस्ट्स ने रिकॉर्ड किया है, या फिर पूरे पेड़ को अगर कोई पानी में डुबा दे तब उसको जो स्ट्रेस फील होता है ना, तब भी ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स पेड़ रिलीज करता है। इससे मतलब एक बहुत डीप चीज पता चल रही है कि आप फील कर पा रहे हो कि मतलब पेड़ भी अपने अनकंफर्टेबलनेस को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टडीज में पाया गया है। फैक्ट नंबर 17, आपको पता है जिस तरह घर बिकते हैं और बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स भी बिकते हैं, उसी तरह ना एक पूरा का पूरा शहर भी बिकता है, जी हाँ पूरा टाउन भी बिकता है। तो टाउन एक्चुअली में बड़े बड़े नेता या फिर ऐसा कुछ मतलब डील होता है जब होता है तब, बट एक शहर ऐसा है ना जिसको ऑनलाइन वेबसाइट पे सेल के लिए डाला गया था। आपको पता ही होगा कि कितने सारे वेबसाइट्स है, OLX, eBay,
जहाँ पे लोग सामान बेचते हैं सेकेंड हैंड या फिर फर्स्ट हैंड, ठीक है, ये ऐसा होता है। तो ब्रिजविल कैलिफोर्निया, ये जो है ना शहर, इसको साल 2002 में ईबे पे ऑक्शन पर रखा गया था। इसका इनिशियल प्राइस सेट किया गया था $1.77 मिलियन, यानी करीब 11 से 12 करोड़ रुपए के आसपास। तो बाद में इसे ईबे से हटा दिया उन्होंने, बट इवेंचुअली ये शहर 700K मतलब करीब 7,749,490,00,000 में बिका। ये शहर बिक गया। इसे ब्रूस क्रैल नामक एक बिजनेसमैन ने खरीदा था। फैक्ट नंबर 16, क्या जानवर समझदार होते हैं, क्या उनको लॉजिक पता होता है? तो इसका आंसर साइंस कभी कहती है कि हाँ, इंटेलिजेंट एनिमल्स में जैसे एप्स और डॉल्फिन्स ऐसे में, लेकिन जो नॉर्मल जानवर होते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, कुत्ते, पिग, ये सब, क्या इनमें भी ज्यादा लेवल का समझदारी होता है? तो एक कहानी है एक हीरोइक पिग का, मतलब क्या कि साल 1997 में एक पिग था और उसका नाम था लुलू, और उसने ये नोटिस किया कि घर के अंदर मेरे मालिक को हार्ट अटैक हो रहा है। तो लुलू क्या क्या पता है, वो बाहर गया, जो गाड़ी एक आ रहा था सामने से उसके सामने जाके, मतलब ना क्या हुआ कि तुरंत गया गाड़ी के सामने, गाड़ी ऐसे यहाँ आ रहा है, वो अचानक से गया और गाड़ी वाले को ये लग रहा था कि ये पिग आगे चल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो वहां पर गया और अचानक से ऐसे गिर गया। मतलब वो मरने का नाटक किया था कि वो गाड़ी वाले का अटेंशन तुरंत ले पाए, और तब गाड़ी वाला उतरा, तब ऐसे ही वो खड़ा हो गया और मतलब सिग्नल दिया गाड़ी वाले को कि जाओ मेरे ओनर को बचाओ। तो मतलब ये प्ले किया, ये नाटक किया रोड पे डेड होने का। और ये एनिमल्स के वर्ल्ड में से सबसे अमेजिंग कहानियों में से एक है। बहुत लोग पेट एनिमल्स रखते हैं, उनके लिए ये सबसे मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से एक होगा। फैक्ट नंबर 15, जितने भी जानवर है उसमें से एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, बट अपना ही स्पीसीज, अपना ही जो एक कैटेगरी है जानवर का, उसमें से दो स्पीसीज क्या एक दूसरे को खा सकते हैं? नहीं खाते। एक शेर थोड़ी ना शेर को खाएगा, या फिर एक मगरमच्छ दूसरे मगरमच्छ को नहीं खाता है, ठीक है। बट सैलामेंडर एक जानवर होता है, और इसमें भी एक स्पीसीज होता है, इसका नाम है टाइगर सैलामेंडर। और इसका गजब फैक्ट है क्या है ना कि ओवर पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज में नहीं होना चाहिए, बट जब टाइगर सैलामेंडर जो जानवर है उसका एक कॉलोनी में अगर बहुत सारा पैदा हो जाता है, और जो टाइगर सैलामेंडर्स हैं उनको लगता है कि अब ओवर पॉपुलेशन बढ़ गया है, तब उन टाइगर सैलामेंडर्स का जो बच्चा होता है ना, वो ऐसे कैपेबिलिटी के साथ पैदा होता है कि वो दूसरे टाइगर सैलामेंडर को खा जाए और वो अपने लिटिल सोसाइटी में पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो दूसरे टाइगर सैलामेंडर को खा सकते हैं। और जब पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाता है, जब बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये केमिकल रिलीज हो जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गया है, तब जो बच्चे पैदा होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल होने के बाद, तब नॉर्मल पैदा होते हैं जो कि एक दूसरे को नहीं खाते हैं। ऐसा होता है नेचर में। फैक्ट नंबर 14, जितने भी फेमस पीपल के जो ऑटोग्राफ है, आपको पता है दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे महंगा ऑटोग्राफ किसका है? तो वो है जॉर्ज वॉशिंगटन। इनका ऑटोग्राफ जो है उसका सेलिंग प्राइस है $9.8 मिलियन, और ये 2012 के एक ऑक्शन में बिका था इतने ही प्राइस पे। फैक्ट नंबर 13, साल 1887 से लेके साल 1950 तक क्या है ना कि जो अमेरिकन वेदर फॉरकास्ट के लोग थे, उन लोगों को ना ये जो वर्ड है ना टॉर्नेडो, इसको यूज करने का परमिशन उनको नहीं था, क्योंकि टॉर्नेडो उस जमाने में, उस टाइम में बहुत एक हॉरिफिक चीज था। मतलब पूरा घर को नहीं बल्कि पूरे शहर को खाली कर देता था एक टॉर्नेडो। तो उस टाइम जब भी टॉर्नेडो की खबर आती थी, ऑफिशियल्स को पता चलती थी ना, तो वो पब्लिक में, प्रेस में ये बोलते थे कि सीवियर लोकल स्टॉर्म आ रहा है, टॉर्नेडो वर्ड यूज नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम टॉर्नेडो को ना किसी मतलब दानव का ये कुछ प्रकोप माना, मतलब ऐसा कुछ था मान्यता। उस टाइम साइंस स्ट्रगल कर रही थी कि ये जो गोल गोल घूमता है ये क्या होता है, तो इसको डार्क मिस्टीरियस फोर्स अज्यूम किया गया था, इसलिए टॉर्नेडो वर्ड को एकदम होता नहीं, जैसे अभी एक कोरोना वायरस एक ये बन चुका है, उस टाइम टॉर्नेडो सुन के लोगों का बाल खड़ा हो जाता था, गूज बम्स।
फैक्ट नंबर 12, ये बहुत मस्त फैक्ट है, मेरे को तो बहुत मस्त लगा। इंडिया में जितने भी नेम्स हैं, नाम है, उसमें सबसे कॉमन नाम क्या है? इंडिया में जितने भी नेम है, इतना नाम है हर तरह का, ठीक है, और इतना सर नेम है, ठीक है, सिंह, शर्मा और मतलब कितना कितना, ठीक है, तो सबसे कॉमन सर नेम इंडिया में क्या है अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो देखो आप फॉर्बियर्स का एक ऑफिशियल आर्टिकल, इसमें देखो सबसे टॉप पे है जो वो है देवी। आपको पता होगा कि मैरिज के बाद जो एक वेमन का नाम यूजुअली देवी होता है, तो इसलिए देवी सबसे टॉप में है सर नेम के हिसाब से। फिर है सिंह, ऑफ कोर्स सिंह तो बहुत कॉमन है, मतलब सिंह बहुत, आपको पता ही कितना कॉमन है। फिर है कुमार, राजेश कुमार। फिर है दास। फिर है कौर पंजाबियों में। फिर है राम। फिर है यादव। फिर है कुमारी। फिर है लाल, बाय, खातून, मंडल, अली, शर्मा, रे, मंडल, खान, साह, पटेल, प्रसाद, पाटिल, घोष, पाल, साहू, गुप्ता, सैक, बीबी और बहुत सारे। आप इसका फुल लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 11, अमेजोन जो कंपनी है ये काइंड ऑफ बाकी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जैसे फेसबुक, गूगल का कॉम्पिटिटर है, ईबे का, तो ना अमेजोन अपना सर्च इंजन लॉन्च किया था A9.com। Amazon.com खोलने पे, अमेजोन खुलता है शॉपिंग वाला, A9.com आप आज भी लिखोगे ना तो Amazon.com ही खुलेगा। बट ये जब ओरिजिनली लॉन्च हुआ था तब A9 एक सर्च इंजन था गूगल की तरह, बट गूगल से बेटर सर्च इंजन सबको पता है कोई नहीं है। तो A9 आया तो सही साल 2003 में, बट ओनली 5 साल बाद साल 2008 में इसको बंद कर दिया गया। और क्योंकि ये अमेजोन कंपनी का ही डोमेन है A9.com, इसलिए अब ब्राउजर में A9.com टाइप करने से वही अमेजोन का ऑफिशियल वेबसाइट खुलता है। फैक्ट नंबर 10, आपको पता है जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके अंदर मिठास को फील करने का, मीठा को टेस्ट करने का होता है एबिलिटी जीव में। बिटर, तीता को भी टेस्ट कर सकता है बच्चा। सावर, खट्टा, इसको भी फील कर सकते हैं बच्चे, तभी तो नींबू देने से फेस बनाते हैं क्यूट सा बच्चे लोग। लेकिन जब तक एक बच्चा 4 महीने का नहीं हो जाता तब तक वो साल्ट यानी नमक को, साल्ट को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सोडियम सेंसिटिव रिसेप्टर जो होता है वो 4 महीने बाद ही टेस्ट बड में इमर्ज होना शुरू होता है। फैक्ट नंबर 9, ब्रैड पिट जो वर्ल्ड वॉर जेड जो ये जॉम्बी की मूवी है इसमें एक्ट किए थे, ये पब्लिक में बोले है ना कि इनको फेस ब्लाइंडनेस है, मतलब ये दूसरों का फेस नहीं समझ पाते, मतलब आप इनसे अगर ऐसे बात करोगे कुछ देर तो कुछ देर बाद आप आओगे तो ये आपको पहचान नहीं पाएंगे। ये ऐसे क्लेम किए हैं कि ये फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। और इसी बीमारी का साइंटिफिक नेम है प्रोसोपागोसनिया। देखो ये तो हो गई बीमारी की बात, बट मैं बता रहा हूँ आपको, मैं टिपिकली कोई मूवी को रेकमेंड नहीं करता हूँ, मैं जॉम्बी को ऊपर वीडियो बनाया था, तो जॉम्बी के जितने भी मूवीज है ना उसमें से देखो, इसमें मूवी को प्रमोट करने का बात नहीं आता है, क्योंकि मूवी देख के फील होता है जो मेरे को फील हुआ, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। तो ट्रेन टू बुसान ये जो जॉम्बी मूवी है और वर्ल्ड वॉर जेड, जॉम्बी मूवी उतने है नहीं, ठीक है, ना बॉलीवुड में ना हॉलीवुड में। बॉलीवुड में गो गोवा गॉन करके एक जॉम्बी की मूवी है, और हॉलीवुड में वर्ल्ड वॉर जेड करके एक मूवी है जॉम्बी की, मस्त मूवी है। और वही साउथ कोरिया की मूवी है ये ट्रेन टू बुसान, ये भी गजब मूवी है। मैं पर्सनली इन तीनों मूवी को मतलब बेस्ट रेट करता हूँ। और वर्ल्ड वॉर जेड में जो मेन कास्ट था वो इन्हीं का था, ब्रैड पिट, यही जिनके बारे में मैंने आपको बताया अभी, जिनको फेस ब्लाइंडनेस है। फैक्ट नंबर 8, हाथ धोने से बीमारियां दूर होती है, ये बात हम सबको पता है, बट जब ये कंसेप्ट जब लोगों के मन में नहीं था कि साबुन से हाथ धोने से क्या बीमारी दूर होता है, मतलब जर्म्स मर जाता है, ये उस टाइम नया नया कंसेप्ट था, ठीक है, लोगों के माइंड में। तो सबसे पहले जो डॉक्टर इसको पहली बार बताया था हैंड वॉशिंग से डिजीज प्रिवेंट होता है, जिनका नाम था इग्नास सेमेलविस, उनको ना लोग पागल बोलते थे पता है, और ये इवेंचुअली मेंटल इंस्टीट्यूशन में भी गए थे अपने लाइफ के लास्ट कुछ सालों के लिए। इनके सपोर्ट में कोई नहीं था, इनके आइडिया के सपोर्ट में कोई नहीं था कि हैंड वॉशिंग से फायदा होता है, जर्म्स दूर भागते हैं। इनके हैंड वॉशिंग वाले बात को कोई नहीं मानता था, अजीब बात है ना, कोरोना का टाइम में अगर कोई बोले है कि हैंड वॉशिंग नहीं करूंगा मैं, उसको लोग पागल बोलेंगे, और उस टाइम इनको लोग पागल बोल रहे थे, बिल्कुल अजीब हालत है।
फैक्ट नंबर 7, ऑफिस चेयर जो होता है ये वाला मॉडर्न ऑफिस चेयर, इसका इन्वेंशन किसने किया था? आप सोच रहे होंगे कुछ हुआ, कोई मॉडर्न सा नाम इसने इन्वेंट किया था, बट इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया हमको? वो साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, पता ही होगा आपको। आपको पता है उन्होंने ही ऑफिस चेयर बनाया? रियली? इन्होंने ही ऑफिस चेयर को इनोवेट किया था। फैक्ट नंबर 6, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि मतलब कुछ भी होने के पहले हमको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, कुछ भी आप चाहते हो, आप ये चाहते हो, ठीक है, आप यहाँ हो, यहाँ भी आ गए हो, बट आप यहीं से ये सेलिब्रेट करने लगे, आपको यहाँ तक भी नहीं करना चाहिए। पता है, आप जब अचीव कर लिए उस गोल को तब सेलिब्रेट करो। इसका बहुत मस्त एग्जांपल साल 2020 के एक रेसिंग में हुआ था, एंड्रे वेरिसिमो। ये रेस में बहुत अच्छा रेसिंग करते हैं और इनका वीडियो देखो, ये रेसिंग कर रहे हैं और ऑलमोस्ट फिनिश लाइन आने वाला है, ठीक है। तो ये जब फिनिश लाइन के एकदम पास आ गए थे ना, तभी अपना दो हाथ से ऐसे उठा के, ये मैं जीत गया लगभग, अब तो मैं जीत ही जाऊंगा, ऐसा ऐसा अपना बॉडी लैंग्वेज से दिखाएं, ठीक है। लेकिन देखो आगे क्या होता है, ऑलमोस्ट लाइन के करीब थे और ये टाइम वेस्ट अपना सेलिब्रेशन में किए, इसलिए पीछे वाले देखो कैसे आगे आ गए और फाइनली ये एंड्रे वेरिसिमो थर्ड हुए हैं। कमाल का एग्जांपल, ज्यादा अर्ली भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जो रेसिंग में है, चाहे वो नॉर्मल रेसिंग हो पैर वाला या फिर बाइक वाला या जो भी जो ऑफिशियल रेसिंग कॉन्टेस्ट करते हैं, उनको तो ऐसा करना चाहिए ना कि यहाँ पे जीत अगर है तो एकदम एकदम इससे भी 10 कदम आगे जाके ना तब सेलिब्रेट करो, टू इंश्योर सेफ्टी। फैक्ट नंबर 5, स्क्विरल इसे कहते हैं, ठीक है। इसका जो शरीर में बाल होता है वो बहुत सारा होता है। बालों को अगर काउंट करे ना तो साइंटिस्ट के हिसाब से 3 मिलियन 30 लाख बाल इस पे होता है शरीर के ऊपर, एक एक बाल करते करते 30 लाख बाल एक स्क्विरल पे। तो आप ये बताओ कि एक हनी बी को भी अगर आप जूम करके देखोगे ना, इस पे भी बहुत सारा बाल रहेगा, तो आप यकीन नहीं करोगे कि हनी बी के भी ऊपर 30 लाख बाल होते हैं। मतलब सिंपल एक लाइन में ये फैक्ट है कि अ हनी बी हैज द सेम अमाउंट ऑफ हेयर्स एज अ स्क्विरल, That is 3 million। फैक्ट नंबर 4, जो यूएसए का फ्लैग है ना, उसे ये बनाए थे, ठीक है, रॉबर्ट जी हैव। जब ये 17 साल के थे और स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे ना, तभी ये बनाए थे। क्या है कि जब फ्लैग का, अमेरिकन फ्लैग का जब ऑफिशियल चुनने का पीरियड था ना, जब चुना जाना था फ्लैग को कि ये फ्लैग होगा, तब अलग अलग स्कूल से यूनिक जो ड्राइंग में आगे थे उनसे लिया गया, ठीक है। तो ये एक फ्लैग बनाए, बाकी हजारों लोग बनाए। तो इनका फ्लैग जो है ना, इनके फ्लैग को स्कूल का जो टीचर था ना, वो बी दिया था, ठीक है, और वो वही फ्लैग था जो अभी अमेरिका का फ्लैग है, बट उस टाइम तो कोई वैल्यू नहीं था उसका, तो बी दिया था। तो उन्होंने अपने टीचर से शर्त लगाया था कि अगर ये फ्लैग बाई चांस चुना गया नेशनल लेवल पे, मतलब ये तो होगा नहीं ऑफकोर्स, हंस के बोल रहे थे, लेकिन हुआ, तो अगर ये चुना गया तो आप मेरे को ए दीजिएगा, बस ग्रेड ए मिलना चाहिए मेरे को। आखिर में यही हुआ, वो फ्लैग चुना गया एकदम नेशनल लेवल के लिए, फिर उनको टीचर ने ए दे दिया। फैक्ट नंबर 3, ह्यूमन स्किन को अगर आप जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, बट एक शार्क मछली का अगर आप स्किन देखोगे तो देखो ऐसा दिखता है, बहुत ही गजब दिखता है, मतलब देखो ऐसा दिख रहा है। सबसे यूनिक जानवरों की बात करें तो मैं आपको एक जानवर को दिखाने वाला हूँ। पहले आप इमेजिन करो एक मगरमच्छ को, फिर इमेजिन करो एक कछुए को, तो इन दोनों को मर्ज कर दो। ऐसा ही एक जानवर होता है जिसका नाम है एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल, मगरमच्छ की तरह दिखने वाला एक कछुआ। देखो ये दुनिया के सबसे यूनिक जानवरों में से एक है। फैक्ट नंबर 2, मार्वल फैंस के लिए एक फैक्ट है, मार्वल में एक विलन है जिसका नाम है वेनम। तो क्या है ना कि जो कॉमिक बुक में जो काम करते थे पहले मार्वल के, जो ऑफिशियल मार्वल में काम करते हैं ना, उसको एक नॉर्मल मार्वल के रीडर ने कॉन्टेक्ट किया कि देखो मार्वल टीम, मेरे पास ना एक विलन का बहुत मस्त आइडिया है। उस नॉर्मल इंसान का नाम था रैंडी शुलर और 1982 में वेनम का आइडिया इसी ने दिया था मार्वल को। तो मार्वल ने इनसे
जो राइट्स है ये आइडिया है उसको परचेज कर लिया और पता है कितने में परचेज किया? $220 में, मतलब करीब 12,000 रुपए में। देखो उसका ऑफिशियल लेटर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये लेटर है 3 अगस्त 1982, इसमें देखो लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू बाई इट। ये मार्वल उनको कह रहा है जिन्होंने आइडिया दिया, वी विल पे $220 और नीचे साइन भी है। मतलब ये होता है अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप किसी मूवी कंपनी को वो आइडिया दिए तो आपको ऐसी पेमेंट मिलता है। अगर उनको ये आइडिया बहुत अमेजिंग लगा तो फैक्ट नंबर वन, जो नोट्स में गांधी जी का ये पिक है ये उनके सबसे पॉपुलर पिक्स में से नहीं बल्कि उनका सबसे पॉपुलर पिक है। बहुत कोई को लगता है कि ये ड्रॉ किया गया है या फिर कोई आर्ट वर्क है बनाया हुआ, बट ये एक रियल पिक है। ये पिक साल 1946 में लिया गया था और ये देखो ये है उनका फुल पिक। लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के सामने ये खड़े हैं और इन्हीं का जो ये फोटो है ये फेस इसको इन्वर्ट करके नोट में डाला जाता है। ये जो इनका स्माइलिंग पिक है इसको साल 1996 में सबसे पहले नोट्स में छापा गया था। मतलब आप जो अपने स्क्रीन पे ये पिक देख रहे हो ये वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल पिक्स में से एक है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कोई फैक्ट नहीं बल्कि एक डीप थॉट देना चाहूंगा, एक सोच, एक बहुत ही डीप और अमेजिंग सा बात कि एक रूम में, एक ऐसा रूम को इमेजिन करो जिसमें सब कोई टी शर्ट पहना है, ठीक है। तो उस रूम में अगर कोई कोट पहन के कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको सब अलग मानते हैं, सबका अटेंशन उसके तरफ जाता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा रूम इमेजिन करो जिसमें सब कोट पहने हैं, ठीक है, कोट ही नॉर्मल है। तो उस रूम में अगर टी शर्ट पहन के कोई चला गया तो उस रूम में जहाँ पे सब कोई कोट ही उसके लिए सालों से नॉर्मल है उसमें अगर कोई हट के शर्ट पहन के चला गया तो वो सबके लिए यूनिक हो जाएगा। अ पर्सन वियरिंग अ कोट इन अ रूम फुल ऑफ पीपल इन टी शर्ट इज यूजुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन देयर, ठीक है। अ पर्सन वियरिंग अ टी शर्ट इन अ रूम फुल ऑफ कोट्स इज मोर लाइकली द मोस्ट डिफरेंट एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द रूम। मतलब इससे सीख यही मिलता है कि लोगों का ध्यान वही जाता है जो सबसे अलग हो। जो बट के हर जगह नॉर्मल चीजें हैं वहाँ पे कोई अलग है वो उससे अलग हो गया, बट जहाँ पे वही स्पेशल नॉर्मल है वहाँ पे स्पेशल वो है जो अलग है। डीप आई नो माई फ्रेंड्स, इसका कोई गोल नहीं था कि ये मैं बता के आपको क्यों बता रहा हूँ, बट थॉट है मस्त सा, मीन्स वही हाँ, बी डिफरेंट, सबसे अलग बनो। तो फ्रेंड्स काफी मजेदार फैक्ट्स थे और कई तो देख के काफी हैरानी हुई, पर वो जो प्लांट वाला था ना वो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही कार में बैठे थे तब ऋषि ने ये बताया था। वो भी रात के टाइम कहीं जा रहे थे जब हम रस्ते में और डिस्कशन हो रही थी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, तब उसने बड़ा अच्छा ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि आप कहते हो कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें फीलिंग होती है, वो होता है आपको पता है प्लांट्स में भी होती है, वो भी स्क्रीम करते हैं और वो भी रिएक्ट करते हैं। तो मैं मान ही नहीं रही थी, कहता ये होता है, उनकी स्क्रीचिंग साउंड होती है जो हमें वो नहीं सुनाई देती क्योंकि वो इतनी हाई इंटेंसिटी की होती है और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। जब किसी के साथ कुछ आने वाला हो, कोई मतलब खाने के लिए एनिमल आ रहा हो या कुछ उस टाइप से काटने के लिए आए, तो वो जो आवाज करते हैं वो एक दूसरे को समझ भी आती है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। उसने काफी सारी और चीजें बताई थी तो मैं कह रही थी ऐसी बुद्धू बना रहा है मुझे, कहता नहीं ये सच है। और वो देखो वही उन्होंने यहाँ पे बताया, तो वो कहता है इसका मतलब तो हमें प्लांट्स भी नहीं खाने चाहिए और एनिमल्स भी नहीं खाने चाहिए, तो खाएंगे क्या, मैं से ये पूछ रही थी। तो काफी वो इंटरेस्टिंग फैक्ट था और ऋषि को पहले से ही वो बात पता थी, बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी हमारी दोनों की, पर इसमें इन्होंने काफी ऐसी ऐसी चीजें बताई जो अमेजिंग लगी। वो जो एक वो जानवर सा दिखाया जो क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस का मिक्सचर था, देखने में ऐसे लगा था ओ माय गॉश। तो इनकी वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होती हैं, काफी सारे फैक्ट्स होते हैं और मेरे को तो सबसे वो जो याद आया रह रहा है वो तो ये प्लांट्स वाला है। तो अब बताओ भाई क्या करना है, क्योंकि प्लांट्स भी अगर आप तोड़ते हो उनको या कुछ करते हो तो वो फिर उनको भी दर्द महसूस होती है। राइट, सो अच्छे थे, अच्छा काफी था वीडियो, काफी सारे फैक्ट्स थे और उसमें जो मुझे जो मजेदार लगा था वही था कि अगर सभी लोगों ने कोट पहने हैं और अगर कोई टी शर्ट में आता है तो वो
मतलब लोग उसको देखते हैं, और सिमिलरली ये कॉमन सेंस है कि आप बैठे हैं, जो भी डिफरेंट आदमी लगता है तो आप, मगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो अमेजिंग फैक्ट नज़र आ रहा है कि सभी कोट में एक टी शर्ट में आए तो ऑड लगता है, और अगर सब टी शर्ट हो उसमें कोट लाए तो ऑड लगता है। तो बहुत अच्छी मतलब बात थी कि जबकि ये नेचुरल है कि आप कभी भी मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं और कोई साधारण कपड़े पहन के आता है तो लोग देखते हैं साधारण क्यों हैं, तो और इंसान सोचता नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे ख्याल से मार्केटिंग में इसको यूज़ किया जा सकता है कि अगर आप डिफरेंट कुछ लाएं तो लोग ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप टीवी पे कितनी सारी एड्स देखते हैं, राइट, इतनी सारी एड्स देखते हैं, अगर कोई बहुत ही डिफरेंट एड आए तो लोग देखेंगे तो उनका पर्पस पूरा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेच दिया बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एड करके। तो वेरी नाइस, और भी मेरे को फैक्ट्स जो हैं काफ़ी मज़ेदार लग रहे थे। उसके बारे में मैं थोड़ा सोचने लगा था जिसमें हेयर की बात हो रही थी कि स्क्विरल है, स्क्विरल में इतने सारे हेयर हैं और उतने ही हेयर एक बी में है। आप साइज का डिफरेंस देखिए कि इतनी बड़ी स्क्विरल है कंपेयर टू अ बी, इतनी छोटी बी, इसका मतलब वो बोले नंबर ऑफ हेयर्स की बात हो रही है, तो वो तो फिर इसमें कंपैरिजन नहीं है कि क्योंकि जो स्क्विरल है वो तो पूरी कवर्ड थी, उसके पूरे कवर्ड है, उसके बड़े हेयर हैं। अगर आप ये बोलेंगे हेयर का मतलब अगर लेंथ ऑफ द हेयर देखेंगे, नंबर ऑफ हेयर, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, अगर लेंथ देखें तो उसकी वॉल्यूम ऑफ द हेयर ज्यादा है एब्सोल्युटली। तो ये कहिए कि स्क्विरल का वॉल्यूम ऑब्वियसली मोर है कंपेयर टू अ बी, नंबर की बात हो रही है तो ठीक है, बी के अंदर माइन्यूट हेयर है, मतलब क्या पूरी बॉडी में होते हो जो हमें दिखते भी नहीं, मतलब बी के अंदर जो माइन्यूट हेयर है वर्सेस वहां पे जब बड़े हेयर है, तो वो मेरे को समझा कि वॉल्यूम ऑब्वियसली इसका हाई है, उसके कोई डिबेट नहीं है, मगर नंबर ऑफ हेयर, तो नंबर ऑफ हेयर अगर आप माइन्यूट करते हैं तो आप जब आप देखते हो वैसे तो आपको जब बोलेंगे किसमें ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा का मतलब होता है कि नंबर कितने ज्यादा है, पर आप हमेशा स्क्विरल को ही पॉइंट करोगे क्योंकि उसमें देखने में ऐसे लग रहा है ज्यादा है। हाँ, नहीं, मगर इसमें तो गंजी लग रही है। मैं तो ये उसके बाद सोच रहा था कि किसी साइंस ने इसका मतलब थी रिसर्च की है, वो बाल गिन रहे हैं स्क्विरल के और वो बाल गिनने गए हैं 20 के या जो भी, कैसे गिनते हो, नहीं वो तो एस्टिमेट ही होगा कि इतने स्क्वायर एरिया में अगर इतने हैं टोटल स्क्वायर एरिया में अप्रोक्सीमेटली इतने अगर आपको इवनली स्प्रेड लग रहे हैं तो जो भी अप्रोक्सीमेशन किया है तो ये सही है कि अब साइंस में जब जाते हैं तो जो भी साइंटिस्ट होता है हर मतलब जैसे साइंस इवॉल्व हो रही है साइंस में यही है कि कोई भी पीएचडी जब कोई बंदा करता है साइंस में, मतलब साइंस अलग बात है मेडिकल अलग है, मगर जो पीएचडी कर रहे हैं वो इसी चीजों में करते हैं कि कोई चीज लेते हैं, अच्छा मैं स्क्विरल को स्टडी करूंगा उसमें पीएचडी हो रही है स्क्विरल में। बट मेरा होप ये है कि आप रिसर्च उसमें करिए जिसमें कुछ रियल मतलब बेनिफिट आए ह्यूमैनिटी को आगे जाने में, अदरवाइज तो लोग कुछ भी टॉपिक चूज कर सकते हैं रिसर्च का, अनलेस वो ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाए या उससे कुछ आपको वैल्यूएबल पता लगे तो दूसरी बात है। यस फ्रेंड्स, मजेदार था वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग था, और गांधी जी का तो उन्होंने बताया कि उनकी एक्चुअल पिक्चर है जिसको उन्होंने किया हुआ है, तो दैट वॉज ऑल्सो अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।